ललरो में खर सरबलो में पर बहुनसी में चतर अक्षर कोले यो। اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اهلها اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اني جاعل في الارض خليفه اللهم صل على محمد وعلى محمد। अज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी बिरादरान इस्लाम, तौसीफ़ुर रहमान को जवाब देने का तसलसल जो हमने इस चैनल जियो सैनियों के तसलसल से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उन तमाम तारकर्म फरमाओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं, कमेंट्स देते हैं, हमारी हौसला अफजाई फरमाते हैं, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। उनके लिए हम दुआ गोहन के परवरदिगार आलम सिरात अली इन हक उन्नम से तहत अली का रास्ता हक है, उसी को थामे रखो कि हम दुआ देते हैं कि तमाम तर रास्तों को छोड़कर खलीफा है, चलो आपके चौथे खलीफा है, हमारे पहले खलीफा हैं, कम से कम आप तो चौथा मानते हो, चौथे खलीफे का रास्ता अपनाने की आपको तौफीक दे। वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी जो खिलाफत चल रही है, जो अय्याम चल रहे हैं, वो आपके चौथे खलीफा अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ही के चल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आप किसी को खलीफा नहीं मानते, मगर आप कहीं पे मानने पे भी आ जाए फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। मगर देखा जाए तो अभी जो चार खुलफाए राशिदीन जो आपके नज़दीक राशिदीन के अरकाबाद से नवाजते हैं, तो चौथा खलीफा राशिद आपके नज़दीक मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं, फिर उनका दौरे खिलाफत अभी चल रहा है और सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, और ये हमारा भी ईमान है, आपका भी ईमान है। अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक क्लिप है जनाब तौसीफ़ुर रहमान का, जो सदर बैठ के एक हमें क्लिप दे रहे हैं, फिर उसका क्लिप सुने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोनों मजहब की तारीखी किताबों को देखते हैं तो ये हमें रिवायत मिलती है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब बैतुल मक़दस की चाबियां लेने के लिए गए तो मदीने का अमीर किसको बना कर गए? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को। जी अज़ीज़ान मोहतरम, आपने इसके क्लिप की आवाज़ समाप्त फरमाई। तो सिफ़ुर रहमान कहते हैं कि शिया और सुन्नी दोनों किताबों में ये मिलता है कि जब हज़रत उमर अपने दौरे खिलाफत में बैतुल मक़दस की चाबियां लेने के लिए गए तो पीछे मदीना में यानी दारुल खिलाफा में कैपिटल में अपनी जगह पे हज़रत अली को खलीफा बनाकर गए। ये आपने सुना है। सबसे पहली बात ये उन्होंने कहा कि शिया सुन्नी किताबों का हवाला नहीं दिया, किताबों के हवाले दिए जाते हैं, फिर देखी जाती है किताब की हैसियत क्या है, फिर आपने ये रवायत तो दे दी है तरीकी, मगर किताब क्या, जो रावी कौन है, उसके रावियान पीछे तसलसल रावियों का क्या है, उन रावियों का क्या हैसियत है, वो रावी सिक्का है, वो रावी जो रवायत दे रहे हैं मुस्तनद है, तारीख के मियार जो है रवायत के परखने का, वाक़ परखने का, वो आपने बयान नहीं किया, आपने सवाल किया और आप आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे रहा मसला कि हजरत अली को खलीफा नामजद करके गए, पीछे छोड़ के गए। सबसे पहले जब हम कुरान में देते हैं तो खलीफा बनाने का हक इख्तियार अल्लाह ताला के पास है, जैसा कि आयात इस्तिखलाफ मैं आपके सामने वक्त फ़क्त पेश करता हूँ, जनाब आदम की मैंने आयत अभी पेश की, नहीं जायल उन फिल अर्ज़ खलीफा बनाने वाला अल्लाह है। आगे जब आयत इस्तिखलाफ में जाते हैं, इस्तिखलाफ में जाते हैं, तो वहाँ पे आयत मिलते कम इस्तिखलाफ अल्लाह जीना मिन कबल, अल्लाह ताला कहता मैंने वादा किया है मोमिनीन से कि अगर उन्होंने नेक अमाल किए तो मैं उनको ज़मीन पर खलीफा बनाऊँगा जैसा कि मैं पहले बना चुका हूँ। पहले कौन से अल्लाह ताला की ज़ात खलीफा बनाए हैं? आदम को बनाया है, दाऊद को बनाया है, हारून को बनाया है, फिर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, फिर मुझे बनाया है। और अल्लाह जब भी खलीफा बनाता है अपने रसूल के हाथों से उसका ऐलान करता है ताकि किसी किस्म का शक व शुबा ना रहे। अच्छा, अब यहाँ पर जो मौसूफ ने बात की है वो कहते हैं हज़रत उमर बना के गए। अगर आपकी बात को हम चलो तस्लीम कर लेते हैं एक वक्त के लिए, हज़रत उमर ने मौला अली को खलीफा बनाया, फिर जब हज़रत उमर फ़ारूक का विसाल हो गया, खिलाफत का इख्तिताम हो गया, तो फिर पीछे हज़रत उमर के बनाए हुए खलीफे को लोगों ने खलीफा क्यों नहीं माना? सवाल है आपसे, सवाल तो पैदा होता है ना कि जिसको हज़रत उमर खलीफा बना के गया, चलो ऐसे ही सही,
जिसको हज़रत उमर खुद खलीफा बना के जा रहे हैं। फिर हज़रत उमर की खिलाफत के बाद सबसे ज्यादा हक मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का था, ये आपके अल्फाज से साबित हो रहा है। मगर जब हम हकीकत देखें तीर इस्लाम की, हज़रत उमर अपने अलालत के जमाने में चारपाई पे मसरत पे ऐलान करके जाते हैं, पांच रुकनी शूरा बना के जाते हैं, ये शूरा जिससे खलीफा बनाए उससे खलीफा तुम मान लेना। तो ये हकीकत है। इसमें आप जितनी भी किताबें आपकी हैं, आपके भी मिलता, हमें भी मिलता है, शराफ़ के अकबर राइटर मुसन्नफ मौला लिकारी में सियासत्ता में यही मिलता है कि हज़रत उमर अपने आजमाने अलालत में अपनी मसनद पर, यानी कि चारपाई मसनद पर बिस्तर पर जो शूरा का ऐलान करके गए थे, अगर पहले मौला अली को बना के गए होते फिर शूरा का ऐलान ना होता। अगर ऐलान किया गया तो फिर मौला अली को जब खलीफा नामजद कर दिया गया, बना दिया गया, तो फिर मौला अली को तीसरी खिलाफत क्यों नहीं मिली? तो वो जो शूरा का जो कार्रवाई हुई है बाद विसाले हज़रत उमर, तो वो भी कभी इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ के आपकी किताबों से साबित करेंगे कि वहाँ पे क्यों सी परिस्थिति सामने आई और वहाँ पे क्या कुछ हुआ, उसका भी इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने वो हकीकत आपके सामने लेकर आएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।